Welcome students. Welcome to my new YouTube channel Mathetic Maths Adda. This is Vinay Pandey here again. Students, B.sc second year यानी कि third sem के mechanics के statics वाले paper में हमने जो topic शुरू किया था common catenary. तो पहले video में मैंने आपको common catenary के cartesian intrinsic equation के derivation के बारे में बताया था. ये बताया था कि catenary होती क्या है, common catenary क्या होती है, क्या थी common catenary. अगर आप किसी चेन को फ्रीली दो हॉरिजॉन्टली दो पॉइंट पर फिक्स कर दो तो जो कर्व बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन कैटेगरी. और कॉमन कैटेगरी में एक मेन टर्म था कि वेट पर यूनिट लेंथ क्या था, उसका कांस्टेंट था, वो चेंज नहीं होगा. तो ये कॉमन कैटेगरी के हमने इंट्रेंसिक इक्वेशन का डेरिवेशन किया था. इंट्रेंसिक इक्वेशन क्या आ रही थी इसकी, एस इज इक्वल टू सी टेन साई, एस इक्वल टू सी टेन साई. ये पूरा डेरिवेशन मैंने आपको करवाया था. एस क्या था, इस आर्क एपी की लेंथ, जो आर्क एपी थी इसके लेंथ को एस बोला था. और साई क्या था, इस जो पी पॉइंट है इस पे जो टेंजेंट बन रही थी इसका जो एक्स एक्सिस से एंगल था उसको हमने बोला था साई. तो ये डेरिवेशन मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था. जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है पहले वो इस वीडियो को देखें, क्योंकि कार्टेशियन इक्वेशन का डेरिवेशन का पहला स्टेप यहीं से शुरू होता है. हमने कार्टेशियन इक्वेशन का डेरिवेशन इसका करना है. तो कार्टेशियन इक्वेशन में वही कि कॉमन कैटेगरी में हमने एक पॉइंट पी कंसिडर किया और इस पी पॉइंट की जो टेंजेंट इस पी पॉइंट पर हम बना रहे हैं वो एक्स एक्सिस से साई एंगल बना रही है. तो ये जो हमने प्रूफ किया था, वी हैव प्रूव अर्लियर, एस इज इक्वल टू सी टैन साई, ये हमने पहले प्रूफ कर दिया है पहले के डेरिवेशन में. वी हैव टैन साई, आपको पता है कि अगर ये साई एंगल क्या है, इस टेंजेंट का बनने वाला एंगल है एक्स एक्सिस से, और एक्स एक्सिस से अगर बनने वाला एंगल आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, अगर आप किसी लाइन का स्लोप निकालो तो वो डीवाई अपॉन डीएक्स से भी रिप्रेजेंट होता है और टैन थीटा से भी रिप्रेजेंट होता है. टैन थीटा क्या होता है, एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल. तो यहाँ पे हम डीवाई अपॉन डीएक्स की बात करें तो डीवाई अपॉन डीएक्स किसके इक्वल होगा, टैन साई के. इक्वेशन नंबर टू, दोनों को इक्वेट करते हैं, वी हैव एस इज इक्वल टू सी टैन साई की जगह पर क्या आ जाएगा, डीवाई अपॉन डीएक्स. डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डीएस अपॉन डीएक्स किसके इक्वल आएगा, एस, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा. ठीक हो गया. अब आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, डीएस अपॉन डीएक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वन प्लस डीवाई अपॉन डीएक्स का स्क्वायर. इक्वेशन नंबर फोर, फ्रॉम थ्री एंड फोर क्या किया हमने, हमने एस इज इक्वल टू सी टैन साई जो इंट्रेंसिक इक्वेशन थी, उस इंट्रेंसिक इक्वेशन का जो हमने प्रूफ किया था उसका यूज किया. ऑल्सो टैन साई इज इक्वल टू डीवाई अपॉन डीएक्स, इक्वेटिंग वन एंड टू, वी हैव एस इज इक्वल टू सी डीवाई अपॉन डीएक्स. अगेन डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमको ये इक्वेशन मिली और डीएस अपॉन डीएक्स का फॉर्मूला हमारे पास है स्क्वायर रूट वन प्लस डीवाई अपॉन डीएक्स का स्क्वायर. थ्री और फोर्थ इक्वेशन, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को कंबाइन करते हैं. कंबाइन करने के बाद हमको क्या मिलेगा देखते हैं. ये जो डीवाई अपॉन डीएस अपॉन डीएक्स है, इन दोनों की वैल्यूज को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट वन प्लस डीवाई अपॉन डीएक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर वाई अपॉन डीएक्स स्क्वायर. क्लियर स्टूडेंट्स. अब हमको इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करना है, इसका कोई यूज नहीं है तो उसको मैं हटा दे रहा हूं. नाउ टेकिंग दिस डीवाई अपॉन डीएक्स एज पी मान लेते हैं इसको, अगर इसको पी मानेंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट वन प्लस पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डीएक्स स्क्वायर. को हम क्या लिख सकते हैं, डीवाई डीएक्स ऑफ डीवाई अपॉन डीएक्स लिख सकते हैं, और डीवाई अपॉन डीएक्स को हमने पी माना है तो ये बन जाएगा डीपी अपॉन डीएक्स. क्रॉस मल्टीप्लाइंग डीएक्स अपॉन सी इज इक्वल टू डीपी अपॉन स्क्वायर रूट वन प्लस पी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको ऑन इंटीग्रेटिंग. अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट करने पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स अपॉन सी प्लस एक इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट ए आएगा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स पी डीएक्स का एक्स, एक इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट ए, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स पी. अब मैं फिर स्टेप्स ऊपर के हटा दे रहा हूं. अब क्या होगा,
p किसको मान रहा होता हमने dy upon dx को, और dy upon dx यहां रख लेते हैं, तो x upon c plus a is equal to sin hyperbolic inverse dy upon dx, ये हमारे पास इक्वेशन मिल गई हमको सिंप्लीफाई करने के बाद। अब आप देखो एट पॉइंट ए, इस पॉइंट ए की बात करें तो इस पॉइंट, ये ए पॉइंट किस एक्सिस में लाया कर रहा है, वाई एक्सिस में, और वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो, यानी कि ये वाला टर्म जीरो, और इस केस में स्लोप dy अपॉन dx, क्योंकि इस ए पॉइंट पर अगर हम स्लोप निकालेंगे तो वो एक्स के पैरेलल बनेगा, और एक्स के पैरेलल बनेगा तो dy अपॉन dx भी क्या हो गया, जीरो। ये दोनों वैल्यूज यहां रखते हैं, जीरो प्लस ए इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जीरो, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जीरो जीरो होता है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जीरो। इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स अपॉन सी, ए जीरो हो गया, इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स डीवाई अपॉन डीएक्स, इसको इधर लेकर के आते हैं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स को, तो क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी इज इक्वल टू डीवाई अपॉन डीएक्स। क्या किया हमने, इस ए पॉइंट का यूज किया, इस ए पॉइंट पर एक्स की वैल्यू जीरो होगी क्योंकि वाई एक्सिस में पॉइंट है, और डीवाई अपॉन डीएक्स भी क्या होगा, इस केस में स्लोप कितना हो जाएगा, जीरो। इन दोनों कंडीशन को यहां अप्लाई किया तो ए जीरो मिल गया, और इस ए की वैल्यू को जीरो हमने फिर से इस इक्वेशन में रख दिया, तो x अपॉन सी इज इक्वल टू आ गया साइन हाइपरबोलिक इनवर्स dy अपॉन dx, और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स को हम इधर ले आए तो हमारे पास ये रिजल्ट हमको मिल गया। अब इसके आगे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करते हैं, तो dy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी dx, फिर से इसको इंटीग्रेट कर ले, ऑन इंटीग्रेटिंग, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y dy का y हो जाएगा, प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट b फिर से आएगा, और साइन हाइपरबोलिक का होता है cos हाइपरबोलिक x अपॉन c, और अपॉन में क्या आएगा, x का कोफिशियंट भी आ जाएगा, 1 अपॉन c हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, y प्लस b इज इक्वल टू क्या आ गया, c ऊपर चला जाएगा, c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c, फिर उसी तरीके से एट पॉइंट a, इस a पॉइंट पे क्या होगा, इस a पॉइंट पे मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था, इससे पहले लेक्चर में बताया था कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने ली थी स्मॉल c, तो इस a पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c, और इस a पॉइंट पे x कितना था, जीरो था, ये दोनों वैल्यू अगर हम यहां रखेंगे तो y प्लस, सॉरी y की जगह पे हमको c रखना है, स्मॉल c प्लस b इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक जीरो कितना हो जाएगा, वन, c से c कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जो b हमने लिया था वो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी फिर से क्या आ गया, जीरो आ गया। इस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहां सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो रिजल्ट है y इज इक्वल टू ये b जीरो हो गया, c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c, और ये क्या है आपकी, विच इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी। तो ये कॉमन कैटेगरी की क्या हो गई, कार्टेशियन इक्वेशन। तो इसका जो पूरा डेरिवेशन का स्टार्टिंग हमने कहां से की थी, s इक्वल्स टू c टाइम्स i, टाइम्स i की जगह पर dy अपॉन dx रखा, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ds अपॉन dx का फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर, और dy अपॉन dx को हमने क्या मान लिया था, p मान लिया था, तो उसके बाद हमने उसको इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, फिर p की वैल्यू रखी, फिर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, तो एट लास्ट हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वह y इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c, ये इस कैटेनरी की क्या हो जाएगी, कार्टेशियन इक्वेशन। अब कार्टेशियन इक्वेशन और जो कार्टेशियन इक्वेशन है और जो इंट्रिंसिक इक्वेशन है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इंट्रिंसिक इक्वेशन में x और y वाले टर्म्स नहीं आते, इसमें आर्क लेंथ आती है और जो टेंजेंट का बनने वाला एंगल है वो आएगा सिर्फ, और जो कार्टेशियन इक्वेशन होती है वो कार्टेशियन इक्वेशन में एक्स और वाई आएगा, इसमें आर्क लेंथ एस नहीं आएगी, और ना ही जो टैन साई वाला साई जो एंगल था वो भी नहीं आएगा, यही मेन डिफरेंस होता है कार्टेशियन इक्वेशन और इंट्रिंसिक इक्वेशन में। अब कुछ टर्म्स की अगर हम इसमें बात करें, सबसे पहला टर्म एक्सिस, इस कॉमन कैटेगरी में जो ये वाई एक्सिस है, ये y एक्सिस इस कैटेगरी के लिए किसका काम करती है, क्योंकि ये एक्सिस क्या है,
इसको दो इक्वली पार्ट, जो दो इक्वल पार्ट्स में इस कैटेनरी को ये एक्सिस डिवाइड कर रही है, जो लाइन किसी भी कर्व को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है सिमेट्रिकली, तो उस लाइन ऑफ सिमेट्री को ही हम क्या बोलेंगे, उसकी एक्सिस। तो कैटेनरी के केस में एक्सिस क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस। तो जो ये कैटेनरी बन रही है इसका जो लोएस्ट पॉइंट है, इस लोएस्ट पॉइंट ए को ही हम क्या बोलते हैं, इसका वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, पॉइंट ए। एक टर्म होता है डायरेक्ट्रिक्स, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, डायरेक्ट्रिक्स इसकी हो जाएगी एक्स एक्सिस। और दो टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो है स्पैन और सैग। स्पैन होता है ये टोटल डिस्टेंस जो जिन दो पॉइंट्स पे ये चेन हैंग कर रही है, इसकी डिस्टेंस बीसी। और सैग होता है कि ये कितने नीचे तक ये जो डिस्टेंस बन रही है एल ए, इस डिस्टेंस को बोला जाता है सैग। और इसमें जो सी है इसको पैरामीटर वर्ड भी बोला जाता है। तो एक्सिस हो गई वाई एक्सिस, वर्टेक्स हो गया इसका ए लोएस्ट पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स हो गई एक्स एक्सिस, स्पैन हो गया क्या ये टोटल डिस्टेंस बीसी जिन दो पॉइंट्स पे ये फिक्स किया हुआ है, और सैग हो जाएगा एल से लेकर के ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं सैग, सी हो जाएगा इसका पैरामीटर। तो ये तो बात हो गई कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। स्टूडेंट्स इसके आगे के वीडियोज में मैं आपको इनके सैग स्पैन इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना बताऊंगा, और उसके बाद हम अगले वीडियोज में इस पे बेस्ड कैटेनरी पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आगे के वीडियोज देखते रहें, और जो जो टर्म्स मैं आपको बताते जा रहा हूं, अगर किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वो कमेंट में जाकर के उन टर्म्स को दोबारा पूछ सकता है। तो देखते हैं आगे के वीडियोज़।